केंद्र शासन आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किंतु तीन राज्यों की सीमा में बसे मुकुरडोह डंडारी आदिवासी अति संवेदनशील क्षेत्र की दुर्दशा में अनेक योजना ठंडी होने से आदिवासी भूखमरी की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। चार वर्ष पूर्व रोड बना, किंतु पूर्व पत्थर और पगडंडी के रास्तों से 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। विकास से वंचित आदिवासियों ने राजमाता से गुहार लगाई। गोंदिया महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा में अति दुर्गम, जहां भोले भाले गरीब आदिवासी 70 वर्षों से शासन की अनेक योजना आती ही नहीं। एक तरफ अमृत महोत्सव तो दूसरी तरफ डंडारी ग्राम में 1984 से 18 वर्षों से तालाब से होने वाली सिंचन योजना, जिससे सैकड़ों किसान के खेत के लिए पानी मिलता है, वह अभी तक नहीं मिली। जिससे आर्थिक स्थिति ठीक होती, लेकिन अब कागजों तक सिमट कर रह गई। यहाँ की गरीब जनता से निवेदन देने पर चुनाव के समय झूठे वादे कर भोले आदिवासियों को वोट की मांग की जाती है, लेकिन वास्तविकता में आदिवासी क्षेत्र के नागरिक योजना हेतु तड़पते नजर आ रहे हैं, यह उल्लेखनीय है। अहम है 1984 से जो लापा तालाब है शुरू हुई थी, उसके पहले आज भी बंद पड़ी है। उसको 150 से 200 किसानों को पानी का आपासी हो सकती है, परंतु शासन प्रशासन और पॉलिटिक्स वालों ने उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने कलेक्टर महोदय को कई बार लेटर जारी किए हैं, उसके बाद ऑफिस वालों को भी जारी किए हैं, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे हमको पानी के वंचित होना पड़ता है। और हमारे यहाँ दवाखाना अति आवश्यक है, क्योंकि डिलीवरी बॉय को यहाँ से साले का साथ दरे का साथ ले जाना पड़ता है, वक्त पड़े तो गोंदिया भी ले जाना पड़ता है, जिससे हम लोग तकलीफ में आ जाते हैं, पैसा उसी में लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ काम का अभाव बहुत कमी है। हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, MA BEd वाले भी बच्चे हैं, शिक्षा भी यहाँ मुद्दामज बंद है, फिलहाल 10 साल हो चुका है, जबकि यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिलना चाहिए। शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दे रही है, ऊपर से नेता लोगों ने ध्यान नहीं दे रही है, और अपने यहाँ मनरेगा का जो काम चलता है वो अंतिम में जनवरी फरवरी तक शुरू करते हैं, जिससे उसका रोजी 150 से 250 तक दिया जाता है। यहाँ सबसे पहला समस्या तो यही है, और लोगों की मांग है कि लोगों ने हमें आवेदन दिए हैं और लोगों ने मांग क्या रखे हैं कि सबसे पहले इनकी स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान देते हुए यहाँ दवाखाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी मांग वही है इन लोगों का कि यहाँ के जो स्कूल है 1984 से स्कूल बंद हैं, यहाँ स्कूल बंद होने के कारण से यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ स्कूल होना और स्कूल बंद स्कूल को खोलना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा मांग यही है कि यहाँ पानी की जो तालाब जो है, तालाब 1984 से तालाब यहाँ का बंद है, ना तो तालाब में पानी है, ना तो तालाब में कोई अन्य व्यवस्था नहीं है कि तालाब को सुधारा जा सके, ताकि जो जानवर हैं गाय बैल ढोर जो भी हैं इनको पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए तालाब का भी मरम्मत किया जाए, तालाब को भी सुधारा जा सकता है। VKB न्यूज के लिए सतीश पारदी की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।